हजरत इमाम बोसीरी फालिज ज़दा हैं, सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे हैं, सारी जिंदगी बादशाहों की कहानियां बयान की हैं, उनसे एजाजात पाए हैं, तकरीमात पाई हैं। लेकिन उम्र का आखिरी हिस्सा आया, जिस्म फालिज ज़दा हो गया, सारे छोड़ गए, तन्हाई, बीमारी और गुर्बत, ये तीन चीजें अगर इकट्ठी हो जाएं तो इनको काटना बड़ी क्यामत होती है। तन्हाई, गुर्बत और बीमारी, ये तीनों इकट्ठी आ गई हजरत इमाम बोसीरी पे। सेहतमंद के सारे गाहक होते हैं, बीमार पड़ गए तो कोई पूछता ही नहीं है। एक दिन ख्याल आया, सारी जिंदगी शहनशाहों के कसीदे लिखे, आज उसका कसीदा ना लिखूं जो कायनात का दूल्हा है। अल्लाह अकबर, कलम पकड़ा, फिर हुजूर का कसीदा लिखा। यह कसीदा बुर्दा शरीफ मुकम्मल किया। रात हुई, हजरत इमाम बुसीरी सोए, आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और ये बात जहन में रखें, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फकद रानी फइन शैताना ला यतमस्सलु बी। ये इब्ने माजा में छह तुरक से रिवायत मरवी है, वैसे बुखारी दीगर किताबों में भी है, लेकिन इब्ने माजा हुजम के इतबार से छोटी किताब है, उसमें भी छह मरतबा यह रिवायत है, बाकियों में तो बहुत मरतबा यह रिवायत आई है। इब्ने माजा में छह तुरक से यह रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, शैतान ख्वाब में आकर भी मेरी मिसल होने का दावा नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात, जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को देखा, और जिसने हुजूर को देखा हुजूर उसके ख्वाब में कस्द इरादे और मर्जी से आए। मैं किसी के ख्वाब में जाऊं, आप किसी के ख्वाब में आए, ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता, मजलिस सजी है, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, उठ के आप चले जाएंगे, जाके सो जाएं, मैं ख्वाब में दोबारा गुफ्तगू करता हुआ पाया जाऊं, मुझे आप उठ के फोन करें, जनाब आज ख्वाब में आए थे, तो मुझे तो नहीं पता होगा, या आपको मैं देख लूं दोबारा तो आपको इल्म नहीं होगा। लेकिन हुजूर जिसके ख्वाब में जाएं कस्द इरादे और मर्जी से जाते हैं। तीसरी बात, ख्वाब में किसी को कुछ कोई दे तो वो महज ख्वाब होता है। लॉटरी निकल आई, करोड़पति बन गया, सुबह उठेंगे तो करोड़पति होंगे या कंगाल होंगे? वो क्या, किसी ने कहा था, सौ बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब आंख खुली तो अपना ही गिरेबान था। कुछ नहीं होता, ख्वाब ख्वाब होता है। लेकिन हुजूर को अगर कोई ख्वाब में देखे और हुजूर कुछ अनायत करें तो वो महज ख्वाब नहीं होता। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम ने ख्वाब में उन्होंने हुजूर को देखा, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दो मुए मुबारक उनको अता किए। कहते हैं जब उठे तो देखा कि मुए मुबारक नहीं थे, तो फिर उनकी कैफियत वही हो गई और फिर हुजूर ख्वाब में मिले, फरमाया कि हमने तेरे सराहने के नीचे रख दिए। तो कहते हैं कि वो दो बाल, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, उनकी अलामत यह थी कि वो संदूक में हम रखते थे, जब उसको धूप में लेकर निकलते बदली साया किया करते थे, और फरमाते हैं कि जब विरासत तकसीम हुई तो एक बाल मेरे हिस्से में आया, हुजूर का मुंह अनवर, हुजूर का मुंह मुबारक। तो जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा, हुजूर को ही देखा, हुजूर कस्त से आए, जो दिया हकीकत में दिया। और चौथी बात, वो बुखारी की रिवायत है, हुजूर फरमाए, मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक्ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा न करीब जागते भी देख लेगा। शारहीन लिखते हैं, सारी जिंदगी ना देख सका, जब रूह निकल रही होगी रुख महबूब सामने होगा, और अगर उस वक्त हुजूर का दीदार हो जाए तो और चाहिए भी क्या, सौखा निकले सा जहूरी जे वेख लवा मुख तेरा, अगर उस वक्त हुजूर का दीदार हो जाए तो और क्या चाहिए। तो हजरत इमाम बोसीरी कहते हैं कि मैं सोया मुकद्दर जागा, हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया बोसीरी जो कसीदा लिखा है वो सुनाओ तो सही। तो उन्होंने वो मशहूर कसीदा मौला यसल्ले वसल्लम दाएमन आबाता, वो कसीदा हुजूर की खिदमत में पेश किया, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्त शिफा उनके बदन पे फेरा, और हुजूर ने अपनी चादर उतार करके हजरत इमाम बोसीरी को दे दी। बुर्दा अरबी में कहते हैं जो है वो चादर को, इसीलिए इस कसीदे को कसीदा बुर्दा कहते हैं, वो कसीदा जिसकी जजा में चादर अनायत हुई थी। हजरत इमाम बोसीरी जब उठे तो बिल्कुल ठीक थे, चादर ओढ़ी और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एक दरवेश खड़ा था, कहा बोसीरी रात वाला कसीदा तो सुनाओ जो तुमने लिखा है। हजरत बोसीरी कहते हैं मैंने लिखा था और किसी को पता नहीं था। मैंने कहा कौन सा कसीदा? कहने लगे भोले ना बनो जो हुजूर को सुनाया था।
कहने लगे कि मैंने कहा कि तुझे कैसे पता है, कहा बताऊं ये चादर कौन सी है। अल्लाह अकबर। तो इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर अलैहि सलाम पर ये दरूद लिखा, मौला यसल्ले वसल्लम दायमन आबादा, और ये जजा पाई। हजरत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ये 708 हिजरी में पैदा हुए थे। कहते हैं कि मैं एक दिन किसी बस्ती से गुजर रहा था और वहां एक कुआं था, उसका पानी थोड़ा सा नीचे था और मेरे पास कोई चीज नहीं थी जिससे मैं डोल डाल करके वो पानी निकाल सकूं। मैं मुतहय्यर खड़ा था, साथ ही एक शिकस्ता सा कच्चा सा मकान था, उस मकान के ऊपर एक छोटी उम्र की लड़की खड़ी थी। मुझे कहने लगी कि आप परेशान हैं? मैंने कहा हाँ बेटे, मुझे परेशानी यह है कि मैंने वजू करना है और नमाज पढ़नी है और वक्त जा रहा है और ये पानी बहुत नीचे है, अगर तुम कुछ मेरी मदद कर सकती हो तो जरूर करो। वो छत से नीचे आई और उसने आके अपना लुआब उस कुएं में फेंका। हजरत शेख सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैंने देखा कि यका यक कुएं का पानी उछल के किनारों तक आ गया और बहने लगा। मैंने जल्दी से वजू किया और फिर मैंने उस लड़की को कहा, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, तू मुझे बता कि तू तेरे पास है क्या कि तेरे लब के डालने से ये पानी उछल के ऊपर आ गया। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि ये जो मर्तबा मुझे मिला है, बेकसरत सलाते अला मन काना इजा मशाफिल बर्रे ताल्ला कतिल वहूश बेअज़ियालही, ये मर्तबा मैं उस पर दरूद पढ़ के हासिल किया है जब वो जंगल से गुजरते थे तो जो जानवर थे कदमों से लिपट जाते थे, मैं उन पर दरूद पढ़ने की बरकत से जो है वो ये मर्तबा हासिल किया है। तो हजरत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि फिर मैंने इरादा कर लिया कि मैं सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते हुए और दरूद लिखते हुए गुजारूंगा। फिर उन्होंने मशहूर जमाना किताब जिसको अहले इलम और अहले तसव्वुफ दलाइलुल खैरात के नाम से जानते हैं, जिसकी मुतअद्दिद शुरुहात में लिखी गई, वो किताब उन्होंने तसनीफ की। और इस किताब की खसूसियत यह है कि जो शख्स इस किताब को बाकायदगी के साथ पढ़े उसको हुजूर का दीदार नसीब होता है। और इस किताब को पढ़ने वाले, मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पढ़े अल्लाह ताला उस दरूद की बरकत से उसे तो नवाजता है, उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को यानी उसकी नस्लों को भी संवार देता है। तो हजरत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान ने यह किताब लिख करके दरूद की जमाने पर एहसान किया और आज तक बिलखसूस उलमाए रूम का अमल इसके ऊपर जो है वो कसरत के साथ है। लेकिन यहां भी जो है वो हमारे बड़े सगीर पाक हिंद में भी दलाइलुल खैरात पर लोगों के बहुत ज्यादा अमल है। मेरे वालदे गिरामी अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजल फरमाए, उन्होंने 37 साल तक बिला नागा दलाइलुल खैरात का वजीफा किया है। और ये जो कुछ भी है वो क्या किसी ने कहा था, मैं जो कुछ भी हूं उनकी तवज्जो का रूप हूं, मेरी जिंदगी तेरे प्यार का इनाम ही तो है। तो ये सारा फैजान ये दुरूस शरीफ का फैजान है जो दुरूस कुरान की सूरत में आप देख रहे हैं। हजरत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह का फिर इंतकाल हो गया और सूस नामी एक बस्ती के अंदर उनको दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद 77 साल के बाद उनको वहां से मराकश मुंतकिल किया गया। और आपको जब दफन किया गया, और ये बात अखबार मशहूरा में से है कि आपकी कब्र की मट्टी से दरूद की बरकत की वजह से कस्तूरी जैसी खुशबू आया करती थी, और जब इतने तवील अरसे के बाद उनको कब्र से निकाला गया तो जब वो फौत हुए थे तो उन्होंने थोड़ी देर पहले हजामत बनाई थी, और जब लहद से उनको निकाला गया 77 बरस बाद तो ऐसे लगता था कि जिसका अभी खत करवाया है। और लोगों ने उनके जिस्म को उंगली लगा करके देखा तो जिसका एक जिंदा शख्स के जिस्म को उंगली लगाएं तो खून हट जाता है और जगह जर्द हो जाती है, तो ऐसे ही लोगों ने पाया कि जगह जर्द हो गई। फिर उंगली उठाई तो जो है वो फिर वहां दोबारा सुर्खी आने लगी, तो उस शख्स ने बताया कि ये देखो क्या है, तो फिर जो भी ज़ियारत करने आता वो उंगली लगा के देखता और इस तरह दबाता आपकी जिल्द को और वो जर्द हो जाती और फिर दोबारा खून आता, तो फिर उनकी ज़ियारत बंद कर दी गई और वहां सूद से उठा करके उनको मराकश के अंदर दफन किया गया। जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़े
تو اس کو حیات جاویدہ مل جاتی ہے, اور صاحب درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا ہوگا. تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آؤ ہم حضور کی بارگاہ میں پورے ادب سے ہدیہ درود پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب.